संसद की सुरक्षा में चूक मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे आरोपी ललित झा के माता पिता ने अपने बेटे को बेगुनाह बताया है। ललित के पिता ने कहा कि उनका बेटा बहुत अच्छा लड़का है, वो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, उसने जो किया हमें उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनी तब हमें इस घटना के बारे में पता चल पाया। वहीं ललित की माँ ने बताया कि ललित देशभक्ति की किताबें पढ़ा करता था। और इसी दौरान लखनऊ के रहने वाले आरोपी सागर के घर से यूपी एटीएस की टीम को एक सीक्रेट डायरी मिली। सूत्रों का दावा है कि सागर की डायरी से संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि आरोपी सागर के घर से जो डायरी मिली उसके पन्नों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसे डिकोड किया जाना बाकी है। इसीलिए पुलिस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि सागर की डायरी में लिखी बातें साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार हो सकती है। न्यूज 18 की टीम को सागर की डायरी के कुछ पन्ने मिले। उनमें एक पन्ने पर लिखा था, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग भी दहक रही है। इसी तरह की कई और बातें भी डायरी में लिखी नजर आई। डायरी के अलावा यूपी एटीएस को सागर के हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र भी मिला और उसकी जाँच की जा रही है। सागर पर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप है, लेकिन घर वालों का दावा है कि उसे फंसाया गया है। उन्होंने कर्नाटक के मैसूरू के रहने वाले आरोपी मनोरंजन पर सागर को बहकाने का आरोप लगाया। सूत्र बताते हैं कि बेंगलुरु में 2 साल रहने के दौरान सागर ललित और मनोरंजन के संपर्क में आया था। संसद कलर कांड में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी एक सवाल बना हुआ है कि देश के अलग अलग प्रदेशों से इकट्ठा हुई लोगों को फंडिंग कौन कर रहा था, इसकी मीटिंग कौन अरेंज कर रहा था। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे फंडिंग हो रही थी, कैसे इनके लिए पैसों का इंतजाम होता था। आरोपियों ने खुद को बेरोजगार बताया। कैसे यहाँ पर पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, इनकम का कोई सोर्स नहीं। तो यहाँ से अब देखिए ये शुरुआत होती है कि बेरोजगार हैं, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, घर वालों से खर्चा ये लेते थे। तो ये जो चेहरे आप देख रहे हैं इसमें मुख्य साजिशकर्ता है, ये 6 चेहरे कलर लेने और मीटिंग करने फ्लाइट से गए। अब आप ये समझिए, फ्लाइट का इस्तेमाल किया, घर वालों से पैसे लेते थे खर्चे के लिए, लेकिन इस काम का इस्तेमाल करते थे पैसों में। मैसूरु, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में कई बार मीटिंग, एक बार नहीं कई बार इनकी मीटिंग हुई है। मोदी सरकार विरोधी पर्चे छपवाते थे, इससे पहले भी ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। स्मोक बम के लिए स्पेशल जूते भी खरीदे, बकायदा रेकी इनकी तरफ से की गई थी। और जब ये रेकी करने गए थे तो इनको मालूम चला था कि संसद में जूतों की चेकिंग नहीं होती है, इसी वजह से इन्होंने स्पेशल शूज खरीदे। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आरोपी सागर ने संसद में कलर स्प्ले ले जाने के लिए खास तरह के जूते बनवाए। मतलब सदन के अंदर स्मोक कलर अटैक करने के लिए आरोपियों ने खतरनाक साजिश रची थी, और उसी साजिश के तहत आरोपी सागर और मनोरंजन जूतों में कलर स्प्रे छिपाकर संसद के अंदर पहुंचे थे। पुलिस FIR के मुताबिक आरोपी सागर ने जिस जूते में कलर स्प्रे छिपाया था उसमें एक्स्ट्रा पैडिंग की गई थी। मतलब जूते के सोल को इस तरह से मोटा बनाया गया था कि उसमें कलर स्प्रे आसानी से छिपाया जा सके। FIR में इस बात का भी जिक्र है कि आरोपी सागर ने एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी जूते लखनऊ से बनवाए थे। आरोप है कि उन्हीं जूतों में दोनों कलर स्प्रे छिपाकर सदन के अंदर पहुंचे थे। मतलब उसने अपने साथी मनोरंजन के लिए भी जूते तैयार करवाए थे और बाद में पकड़े जाने से पहले दोनों ने वहां स्मोक कलर अटैक कर दिया था। ये बात भी सामने आई कि जांच एजेंसियों ने दोनों आरोपियों के जूते और मोजे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी। और तो और दिल्ली पुलिस आरोपी सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल को लखनऊ ले जाने की तैयारी में है ताकि उस दुकान की पहचान की जा सके जहां से सागर ने खास तरह के जूते बनवाए थे।